नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कृष्णा शर्मा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जी हां, एसटी कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट था विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसी कॉन्सेप्ट को आज उसी थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम इंग्लिश लिटरेचर और हाई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शुरू करते हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है? जो आपके डिसबिलीफ हैं, यानी जिन चीज़ों में आप विश्वास नहीं करते हों, विलिंगली आप सस्पेंशन करने लगें, तो वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। इसे हम अपने इंडियन वे में प्रैक्टिकली अपने आसपास के एग्जांपल से समझेंगे कि क्या होता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो पहला उदाहरण लेते हैं कि हम जिन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, सबसे पहले सुपरस्टिशन ले लेते हैं, यानी अंधविश्वास। ठीक है, वहाँ हम विश्वास नहीं करते हैं। बहुत सारी देखो लिटरेचर में क्या है, मैजिक रिलीज में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर में यूज हुआ है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने किया है, सलमान रुश्दी ने भी कुछ यूज किया है, इटालियो कालवानो ने भी मैजिक रियलिज्म किया है। कहीं ना कहीं राइटर्स मैजिक रियलिज्म का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ जादू से रिलेटेड चीज़ों को लिटरेचर में स्थान दे देते हैं। स्पेशली इन इंडियन लिटरेचर वी हैव सीन दैट बिफोर इंडिपेंडेंस लॉट ऑफ राइटर यूज्ड मैजिक रियलिज्म, उन्होंने शो करने के लिए कि हमारे देश में कुछ मैजिक भी होता है, रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म, तो उसको शो किया है और उसका नाम मैजिक रियलिज्म दिया है। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ भी कुछ मैजिक रियलिज्म से ही बोल सकते हैं कि उसके मिलता जुलता चीज़ है, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। समझ लेते हैं कि किसी चीज़ पे हम विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक भय रहता है उसका, विलिंगली वह। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि किसी की नई शॉप हुई, शोरूम खुला, तो वहाँ आपने देखा होगा कि नींबू मिर्च वगैरह ऐसी वो सब चीज़ें टांग देते हैं ताकि किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, आपने देखा होगा इन लॉट ऑफ व्हीकल्स वी हैव सीन दैट दे राइट लॉट ऑफ कोटेशंस सो दैट टू दे कैन अवॉइड द बैड साइट ऑफ पीपल्स, यानी लोगों की बुरी नज़र से बच सकें। ऐसा हो सकता है कि रात में हम बोल सकते हैं कि गोस्ट वगैरह कुछ नहीं होते हैं, सोल वगैरह कुछ नहीं होता है, बट विलिंगली हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सस्पेंस होता है कि कहीं ऐसा है या नहीं है। हम रात में 12 बजे 1 बजे मिडनाइट कहीं निकलें आउट ऑफ होम और एक जंगल से वीरान रास्ते से गुजरें तो कहीं ना कहीं डिसबिलीफ तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विलिंगली सस्पेंस दिमाग में हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो इसी तरह के जो सस्पेंशन होते हैं विलिंगली जो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनली वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ ओल्ड पीपल से दैट व्हेन ए कैट क्रॉस द वे, यानी जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, सो हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है कि लोग उसे बुरा मान लेते हैं। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम कह सकते हैं द पीपल हु गॉट एजुकेशन, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, बट एट लास्ट लिटरेचर बोलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है इन सब चीज़ों के बाद, जो एक विलिंगली होता है, यानी इच्छा होती है उस सस्पेंस के अंदर से। हमारा डिसबिलीफ होता है वो, लेकिन फिर भी विलिंगली सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कॉलरिज ने इसका यूज़ किया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। उसका कुबला खान है, क्रिस्टाबेल और मैजिक सॉरी एनसाइंट मैरिनर, प्राइम ऑफ एनसाइंट मैरिनर, उसमें भी इनका यूज़ किया है कॉलरिज ने काफ़ी ज़्यादा, कुबला खान में तो काफ़ी यूज है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था कॉलरिज ने इसलिए दिया था कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम यूज़ करते हैं ना चाहते हुए भी। तो अगर दोस्तों आपकी समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हाँ, इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, और कमेंट करके बताएं कि आपके व्यू क्या हैं। धन्यवाद।